लोगों को क्या खरीदना चाहिए, चांदी खरीदना चाहिए कि नहीं, तो आपने कहा कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही लोग जो है वो निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं सर स्पेसिफिकली लोगों को गोल्ड खरीदना चाहिए या चांदी खरीदना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, गोल्ड और सिल्वर में आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये भी कहा कि आपके टोटल पोर्टफोलियो का 10 से 20% गोल्ड सिल्वर में होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो गोल्ड ऑलरेडी काफी हाईस पे खड़ा है और सिल्वर अभी उतना इंक्रीज नहीं हुआ है, क्योंकि सिल्वर अभी भी अंडर परफॉर्मेंस, क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करते हैं गोल्ड सिल्वर के रेशियो के अकॉर्डिंग, तो सिल्वर अभी भी अंडर परफॉर्मेंस में है। तो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, तो इस टाइम हमें लगता है कि चांदी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम इसका यूसेज देख रहे हैं, हमें लगता है कि चांदी आगे आउट परफॉर्म कर सकता है। तो अगर कोई इन्वेस्टर बुलियंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि उनको 50-50% गोल्ड में और 50% सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमें लगता है कि इस बार चांदी जो है वो आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा गोल्ड को। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।